संत मत का जो गुरुद्वारा है तपोभूमि है, जब तक सूरज चांद रहेंगे धरती माता रहेगी, जहां की मिट्टी लोग माथे में लगाकर अपने जीवन को धन धन करते रहेंगे, वैसे पावन स्थल में जिन्होंने वर्षों जीवन गुजारा है, बैठकर जीवन चरित्र लिखा है, बहुत मोटी पुस्तक, उस पुस्तक को इन्होंने अपने हाथ से मुझे भी समर्पित किया है, कभी कभी मैं उसके भी पढ़ लिया करता हूँ। ऐसे महान विद्वान अध्यात्म के भी और संसार के भी हमारे बीच मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम लोगों को ये अभाव नहीं खटका कि स्वामी विवेकानंद हमारे बीच नहीं है। रामकृष्ण परमहंस के स्वामी विवेकानंद का नाम तो हम लोगों ने सुना जाना, लेकिन हम लोग बड़भागी हैं कि हमारे स्वामी विवेकानंद मंचासीन है, जिन्हें देख रहा हूँ, दर्शन कर रहा हूँ। अब मैं उन्हीं से शपथ आमंत्रित करता हूँ कि अभी के जो प्रतिपाद्य विषय है उस पर कुछ देर सेवा करने की कृपा करेंगे। संत मत के विद्वान साधक, ऋषि चेतना के प्रतीक, बाल ब्रह्मचारी पूज्यपाद डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी महाराज। स्तुवन्ति दिव्येष्टवे वेदेशाङ्गपद्प्रमो पुनसुदे गायन्ति यं सामुदा ध्यानावस्थित तद्गतेद मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। अभ्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित अखंड कोटि धन नायक बीसवीं सदी के जाजोल्यमान प्रसन्न मातंड संत सदगुरु महर्षि मही गणगन जी महाराज की सेवा में तत्पर रहने वाले पूज्यपाद गुरु श्री भगीरथ दास जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। मंच पर विराजमान तीर्थ को भी पावन करने वाले मृदमंगल में साधु समाज गुरुजनों के जन्मों में नमन। सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों तथा हमारे निष्काम कर्मी योगी, इस जिला के माननीय हमारे अध्यक्ष महोदय श्री विश्वंबर बाबू तथा स्वागत समिति के सभी पदाधिकारीगण, अध्यक्ष महोदय, सदस्यगण, सबको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। अभी स्वामी नरेशानंद जी महाराज से परमाराध्य गुरु महाराज की बात सुन रहे थे। समय नहीं है, कुछ बातें बोलेंगे। हमारे गुरु महाराज कैसे समर्थ थे, अभी बंगला भाषा पढ़े नहीं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा था, मानव का शरीर अनंत ज्ञान का भंडार अछोर पुस्तकालय है, जिसकी ज्ञान की कुंजी सदगुरु के पास है, जो प्रकाश और शब्द में अपने को ले जाते हैं, यानी प्रकाश और शब्द को पकड़ लेते हैं, उनको सब ज्ञान हो जाता है। उग्रह जीवन विलोचन ही के मिटे ही दोष दुख भव रजनी के, संतों के दृष्टि में सृष्टि होती है। इसमें मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना जरूर याद है, एक बार बराड़ी घाट में अखिल भारतीय हुआ था,
परमानंद गुरुदेव की इच्छा थी महर्षि नहीं परमल जी महाराज इस बार बरादी में हो, हमारे महासभा के पदाधिकारी लोग निरीक्षण करने के लिए गए, देखने के लिए गए तो देखते मुर्दा जलता है, हड्डियां पड़ी है, बदबू आ रही। गुरुदेव निर्णय ले लिए हैं कि बरारी घाट में अखिल भारतीय होगा, लेकिन लोग सत्संगी लोग कैसे बैठेंगे, बदबू आएगी, हड्डियां बिखरी हुई है, लोग गंगा जी में स्नान करने भी जाएंगे तो घायल हो जाएंगे। पदाधिकारी लोगों ने आकर गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव वो जगह हम लोग देख करके आए, अनुकूल नहीं होगा, चारों तरफ मुर्दे जलते हैं, हड्डियां बिखरी हुई है, बदबू आती है, गुरुदेव संकल्प को बदल दिया जाए। गुरु महाराज ने कहा, मैं तो संकल्प कर लिया है भी वही होना है। कल होकर के पदाधिकारी लोग फिर गए, जाकर के वहां क्या देखते हैं, गंगा जी में ऐसा ज्वार भाटा आया कि जितनी हड्डियां बिखरी हुई थी सब गंगा जी में सिमट करके चली गई और घाट बिल्कुल साफ हो गया। महाराज की जय। सशक हुआ तो संत की दृष्टि में सृष्टि है। आज का विषय है नर्तन की उपाधि का। मनुष्य के शरीर में मोक्ष का दरवाजा है, यही विशेषता है। इसमें दसम द्वार है जिसमें साधक जब प्रवेश कर जाता है तो मोक्ष को प्राप्त कर देता है। ऐसा साधन और किसी शरीर में नहीं है। कठोपनिषद में एक रूपक दिया गया है, बतलाया गया है कि मनुष्य का शरीर रत है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि साक्षी है, दस धुरी है इसमें लगे हुए, जीवात्मा मान है, ओंकार धनुष है और जीव बाण है। ऐसा बाण चलाए है, कहते हैं मारक बाण विधातन हितन, सतगुरु का परवाना है, गगन की कोट में जाता है। मारक बाण धाम नहीं में जिल्ला का तिल जाना है, कहत कबीर सुनो भाई साधु, जिन जाना तिल माना है, गगन की कोट निशाना है। मानव का शरीर पर जगह विचार करे, बाबा गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, सब धातु का काया पिंजरा, तामा ही जुगति भी सुबा, और सदगुरु मिले तो उभरे बाबू, नहीं तो पतले हो। मानव के शरीर में सात धातु है, क्या है, रक्त है, रस है, मांस है, मेद है, मज्जा है, हड्डी है, गुर्ज है, आदि आदि सात धातु से बना हुआ है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मनुष्य का शरीर पांच तत्व से बना हुआ है, क्षितिजल पावक गगन समीरा अपंच रचित इन अधम समीरा। शरीर अधम है, अभी सुन रहे थे, आंख से क्या निकलता है, किच्ची, और कान से गुज्जू, और नाक से नटक पटक, और मुख से थूक खकार, जैसे जैसे नीचे जाएंगे गंदगी बढ़ती जाती है। पेशाब करता पिशाव है, शौच करते हैं, मलमूत्र का भंडार है शरीर, अहंकार कितना है। मनुष्य का शरीर क्या है, एक मुठिता है। भगवान शंकर शमशान घाट में बसा में से आ रहे थे भगवान शिव और पार्वती। भगवान शंकर बसा बल से उतर जाते हैं शमशान घाट में, वहां देखते हैं वहां एक नदी बह रही है, नदी में स्नान करते हैं, जो मुर्दा जल ना उसका भस्म पूरे शरीर में पोत लेते हैं, त्रिपुंड लगाते हैं भगवान शंकर। माता पार्वती कहते हैं, स्वामी क्या करते हैं आप, ये मुर्दा मांस
इस शमशान घाट में जो पड़ा हुआ है, जला हुआ भस्म है, इसको शरीर में पुत्र है गंगा जी, ऐसा क्यों करते हैं आप? तो भगवान शंकर कहते हैं, देवी सुनो, ये शरीर जल करके राखी बन जाएगा, याद बना रहे, ये शरीर जल करके राखी बन जाएगा। देखिए शरीर की गति क्या है, यदि जला दिया जाएगा तो राख बन जाएगा, यदि जल प्रबल कर दिया जाएगा तो घड़ियाल खा जाएंगे, मछली खा जाएंगे, विष्टा कर देगी फिर मिट्टी में मिल जाएगा, और जमीन के नीचे गाड़ दिया जाएगा तो भी मिट्टी है, मटेरियल का नाश नहीं होता है। पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है और आकाश है। हमारे साइंटिस्ट वैज्ञानिक ने रिसर्च किया कि तत्व का नाश नहीं होता है, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में मिल जाती है, जल तत्व जल में, अग्नि तत्व अग्नि में, वायु तत्व वायु में और आकाश तत्व आकाश में चला जाता है। कृष्ण जीसस ने कहा, Whosoever shall come upon the name of Lord shall be saved। वह जो परमात्मा का गुणानुवादन करेगा यमराज के फंद से छूट जाएगा। हमारे शरीर में सज्जनों एक दरवाजा है, इसको दसवां द्वार कहते हैं, जिसको तिली भी कहते हैं, जिसको सहनक कहते हैं, उसमें जो प्रवेश कर जाता है, उसी में प्रवेश करने के लिए पुरुष का शरीर मिला है और जन्म मरण के चक्र से सदा के लिए छूट जाने के लिए मिला है। मनुष्य के शरीर में दो ही तत्व है, क्या है? एक विनाशी तत्व है और एक अविनाशी तत्व है। विनाशी तत्व कितने हैं जानते हैं? 31 है, जिसको क्षण कहा गया है। वो कौन कौन है जरा गिना देता था? 5 स्थूल तत्व है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और 5 सूक्ष्म तत्व है, इसमें रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। 5 ज्ञान इंद्रियां है, आंख कान नाक जीव त्वचा। 5 कर्म इंद्रियां है, आंख पैर मुख गुदा लिंग, और अंतकर्म इंद्रियां है, मन बुद्धि अहंकार और क्या है, मन चित्त बुद्धि अहंकार और क्या है, और क्या है इसमें और चुप है इसमें, इसको चित्रकी कहा गया है, चित्रकी जीवात्मा को कहा गया है। तो जो जीवात्मा तत्व तो है वो मरता नहीं है, भगवान कृष्ण ने भी कहा है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चेदम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मानुता। और कहा भगवान ने, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति न रूपाणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यानि संजाति नवानि देहि। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन देखो तुम घबराते क्यों हो, युद्ध करो। कहते भगवान आप युद्ध करने के लिए, कहते मैं युद्ध नहीं करूंगा, यह हमारे दादाजी खड़ा है, दादा भीष्म पितामह जिसकी गोद में मैं खेला हूं, जिन्होंने मुझे कितना प्यार किया है, मैं उस पर बांध चला हूं। ये हमारे गुरुदेव भीष्म के हैं, द्रोणाचार्य जी, इन्होंने धनु विद्या सिखाया है, तो बांध कैसे चला हूं? नहीं नहीं, ये हमारे बंधु बांधव है, ये हमारे परिजन है, इन पर बांध नहीं चलाऊंगा। भगवान ज्ञान देते हैं, देखो अर्जुन, अर्जुन चौराहे पर खड़ा है, क्या करे क्या नहीं करे समझ में नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से दुनिया वाले लोगों को ज्ञान दिया, ये शरीर नाशवान है लेकिन चेतन तत्व आत्मा अजर अमर है, ये चेतन तत्व आत्मा अजर अमर है, एक बंधन में है। हमारे गुरु महाराज ने कहा इसके बंधन में है, तो घटतम प्रकाश व शब्द पड़ रहे जीव पर है चाह रहे कर दृष्टि कर ध्वनिजो को साधन ये हटाना चाहिए। हमारे पूज्यपाद गुरु स्वामी वगैरह जी महाराज सुनाते हैं, और इनका प्रवचन तो ऐसा होता है एक ही लाइन में सब कुछ बोल देते हैं। एक गुरु महाराज के लाडले हैं, एक गुरु महाराज की इतनी सेवा किया, गुरु महाराज एक बार कहे थे एक जो बोलेगा वही होगा। एक बार की बात है कि कहीं सत्संग में गए थे, गुरुदेव पूज्यपाद को ले जाना था ऊपर मंजिला में, कई मंजिला था और सीढ़ी बड़ी खड़ी थी। तो पूज्यपाद सोचते हैं कि जरा सा पैर डगमगाएगा अनर्थ हो जाएगा। गुरु महाराज के श्री चरणों में हमारे गुरु स्वामी भद्रदास जी महाराज प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव,
आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हल्का हो जाइए। सज्जनों, उस दिन गुरु महाराज को जब उठाए पूज्यपाद, तो गुरु महाराज ऐसे हल्के हो गए जैसे हवा वाला तकिया होता है, उठा करके ऊपर चले गए। ऐसे गुरु महाराज की सेवा में रहने वाले पूज्यपाद यहां विराजमान है, उनके चरणों में नमन करते हैं और आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। बोलिए प्रेम से, श्री सद्गुरु महाराज की जय।